Assalamu alaikum dear students, welcome to the lecture series of environmental science. हम environmental science का पहला unit discuss कर रहे हैं, जिसमें हमने first day में आप लोगों को understanding environment, उसके बाद हम ecosystem discuss किया second lecture में, और third lecture में भी continue है. आज हम देखते हैं structure of ecosystem, कि ecosystem किस चीज से बना हुआ है, क्या components उनके. जैसे मोटे मोटे तौर पे हमने बताया था आप लोगों को दो अलग अलग से कंपोनेंट्स है, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स, या लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स. आज हम थोड़ा सा आपका टाइम मैनेजमेंट करने के लिए एक स्लाइड दिखाना चाहेंगे आप लोगों को, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम. भाई इकोसिस्टम क्या है, उसको किस चीज से बना हुआ है, कौन से कंपोनेंट्स है उनके. जैसे आप जानते हैं कि मेन मेन तरीके से अगर देखा जाए तो इकोसिस्टम के दो अलग अलग से कंपोनेंट्स हैं. मेन दो, एक तो हमने बायोटिक कंपोनेंट कहा है, या जिनको हम लिविंग कंपोनेंट कह सकते हैं. दूसरा जो कंपोनेंट है आपका अबायोटिक कंपोनेंट या नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हम कहते हैं. लेकिन बायोटिक कंपोनेंट्स में भी अगर हम जाके देखेंगे तो इनको फर्दर अलग से क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेस ऑफ दियर न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज या अदर प्रॉपर्टीज को लेकर. बायोटिक कंपोनेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा कंपोनेंट बायोटिक कंपोनेंट में है वो उसे हम प्रोड्यूसर कहते हैं, या हम इसे ऑटोट्रॉप्स या फोटो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं. उसके बाद इस बायोटिक कंपोनेंट में हमारे पास कंज्यूमर है. उसके बाद अगर हम देखेंगे इसी बायोटिक कंपोनेंट में तो डिकम्पोजर्स है. तो तीन मेन कंपोनेंट्स हमारे बायोटिक कंपोनेंट में, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया हुआ है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर. अभी भाई प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, एक्चुअली सिंपली नाम से ही लग रहा है कि ये कुछ प्रोड्यूस कर रहा है. तो प्रोड्यूसर हम कहते हैं इसे फूड प्रोड्यूस कर रहा है. एक्चुअली इकोलॉजिकली अगर हम देखते हैं तो ये प्रोड्यूसर्स को एक्चुअली अगर हम देखेंगे तो इनको हम कन्वर्टर्स कहते हैं, क्योंकि रेडिएंट एनर्जी को ये कन्वर्ट करते हैं इनटू केमिकल एनर्जी में. उसके बाद नेक्स्ट कंज्यूमर्स, नाम से ही पता चल रहा है कि ये कोई चीज कंज्यूम कर रहा है. कंज्यूम क्या चीज करता है, जो भी फूड मैन्युफैक्चर करता है आपके प्रोड्यूसर्स, वो आपके कंज्यूमर्स या जिनको आप हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं, डिटेल में भी हम आगे देखेंगे. तो उन कंज्यूमर्स का काम क्या होता है, जो भी प्रोड्यूसर फूड मैन्युफैक्चर करता है वो अपने कंज्यूमर, चाहे वो फर्स्ट लेवल पे हो, सेकंड लेवल पे हो या थर्ड लेवल पे हो, वो उन कंज्यूमर्स का काम होता है कि जो प्रोड्यूसर ने फूड मैन्युफैक्चर किया है, प्रोड्यूस किया है, उन फूड को वो कंज्यूम करते हैं, हेटेरोट्रॉप्स. उसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट है आपके बायोटिक कंपोनेंट में, उसको हम डिकम्पोजर्स कहते हैं. डिकम्पोजर्स का मेन फंक्शन क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिक सबस्टेंस के फॉर्म में आपके न्यूट्रिएंट्स लॉकअप हो जाते हैं, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट बना ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस या कार्बन फिक्सेशन जिसे आपने कहा, इन डिकम्पोजर्स का काम होता है वो उस बायोलॉजिकल सिस्टम में जो भी न्यूट्रिएंट्स लॉकअप हो गए हैं, चाहे आपके एलिमेंटल नाइट्रोजन के फॉर्म में हुआ है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में हुआ है, उनको फिर से दोबारा से रिलीज करके एटमॉस्फेरिक पूल में डालने का काम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बाय बैक्टीरिया इन फंजे, वो दोबारा से रिलीज करके आपके एटमोस्फेयर में डालते हैं, तो उनको हमने डिकम्पोजर्स कहा. यह मैं एक ओवरव्यू बता रहा हूं आप लोगों को, इन डिटेल में भी हम बताएंगे कैसे क्या कन्वर्ट करते हैं. इन प्रोड्यूसर्स की अगर बात करते हैं तो दो टाइप्स होते हैं इनमें, एक तो हम कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स और दूसरा कीमो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं. भाई फोटो ऑटोट्रॉप्स से क्या मतलब है, फोटो ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है फोटो मींस लाइट, ऑटो मींस सेल्फ, फोटो ऑटोट्रॉप्स, ट्रॉप्स एक्चुअली हम न्यूट्रिएंट को कहते हैं या फूड को कहते हैं. मींस द फोटो ऑटोट्रॉप्स आर द ऑर्गेनिजम्स व्हिच हैव गॉट द कैपेबिलिटी टू कन्वर्ट द रेडिएंट एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ sunlight by using raw materials like carbon dioxide, water, mineral from the soil, and convert the radiant energy by using raw materials mentioned by with the help of chlorophyll in organic form, in the form of carbohydrate. So wo photo auto in presence of sunlight mein. Lekin most of the producers dekha jata hai, तो ज्यादातर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो ग्रीन प्लांट होते हैं. कहने का मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में ही वो अपने फूड का कन्वर्जन करते हैं इनटू केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी. लेकिन
अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ठीक है भाई, जहां पे सनलाइट की अवेलेबिलिटी है वहां तो फूड प्रोड्यूस आपके प्रोड्यूसर्स या ग्रीन प्लांट करते हैं, लेकिन ऐसे भी इकोसिस्टम में रीजन्स होते हैं, लोकेशंस होते हैं या ज्योग्राफिकल एरियाज हम कह सकते हैं जहां पे सनलाइट का पेनेट्रेशन नहीं हो पाता है. फॉर एग्जाम्पल डीप इन द ओशंस, भाई वहां पे कौन फूड प्रोड्यूस करता है फिर? ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट है तो ग्रीन प्लांट्स कर रहे हैं, जहां पे लाइट की अवेलेबिलिटी नहीं है वहां पर भी डीप इन द ओशंस भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, तो वो भाई वहां पे कैसे फूड प्रोड्यूस होता है? वहां जो फूड प्रोड्यूस होता है उस प्रोसेस को कीमोसिंथेसिस कहते हैं, और जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हम उनको कीमो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं. सिंपल मतलब हुआ, पहले लाइट का इस्तेमाल होता था फोटो ऑटोट्रॉप्स में, यहां पर केमिकल्स का इस्तेमाल होता है. केमिकल्स का क्या इस्तेमाल होता है? आपके डीप इन द ओशंस में सल्फर के बैक्टीरियास होते हैं, वो आपके हाइड्रोजन सल्फाइड जो आपके वाटर बॉडी में अवेलेबल है डीप इन द ओशंस में, कार्बन डाइऑक्साइड जो डीप इन द ओशंस में अवेलेबल है, और जो हीट रेडिएट होता है आपके डिके एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सबस्टेंस की वजह से, उन हीट को कैप्चर करके विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इन कार्बन डाइऑक्साइड वो कीमोसिंथेसिस करते हैं. कहने का मतलब कि वो फूड प्रोड्यूस करते हैं केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में. कहने का मतलब जो कीमो ऑटोट्रॉप्स हैं, दे हैव गॉट द कैपेबिलिटी टू कन्वर्ट द ऑर्गेनिक फॉर्म द ऑर्गेनिक सबस्टेंस बाय यूजिंग रॉ मटेरियल्स लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड इन कार्बन डाइऑक्साइड डीप अवेलेबल इन द ओशंस एंड द हीट रिलीज्ड बाय डीके एंड रेडियो एक्टिविटी दे कन्वर्ट such substance into organic form so that the organisms living deep in the oceans where there is no sunlight can easily be utilize food for themselves. इसलिए हम उनको कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स, या उस प्रोसेस को हम कहते हैं कीमोसिंथेसिस. ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर में हम चले जाते हैं. नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर में क्या है भाई? आपके कंज्यूमर से भाई, कंज्यूमर क्या है, किनको हम कंज्यूमर कहते हैं? कंज्यूमर्स को हम हेटेरोट्रॉप्स भी कहते हैं. हेटेरोट्रॉप्स हम कहते हैं भाई. हेटेरोस का मतलब क्या हो गया? हेटेरोस मींस अदर, ट्रॉप्स मींस न्यूट्रिएंट या फूड, मींस दीज आर द ऑर्गेनिजम्स. कंज्यूमर्स आर आल्सो कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स, आर द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म. अदर ऑर्गेनिज्म किस पे? प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं फॉर दियर फूड, जो आप लोग बचपन से सुनते आए हैं. लेकिन इन कंज्यूमर्स को भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं अलग अलग फूड लेवल में ऑन द बेस ऑफ दियर न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज हैबिट. हम कहते हैं एक भाई हर्बीवोर होता है. क्या होता है भाई? दीज आर द कंज्यूमर्स विच फीड ओनली ऑन द ग्रीन प्लांट्स. इट मे बी ग्रासेस, इट मे बी लीव्स, इट मे बी प्लांट्स, इट मे बी वीड्स, इट मे बी हर्ब्स, इट मे बी शर्ब्स. जो भी सारे ग्रीन प्लांट होते हैं उन पे अगर फीडिंग करता है कोई ऑर्गेनिज्म तो उसको कैटेगरिकली कहा गया है वो हर्बीवोरस है. आपका फीड ऑन प्लांट्स, प्लांट्स में आपके हर्ब्स, शर्ब्स, ग्रासेस सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं उसमें. फिर उसके बाद आपका एक और ऑर्गेनिज्म है जिसको हम कार्निवोरस कहते हैं. कार्निवोरस आर दी ऑर्गेनिजम्स. वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो भाई सिर्फ फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं? कार्निवोरस, फ्लैश ईटिंग का मतलब है वो कभी भी आपके हॉप्स पे, शब्स पे, ट्रीज वगैरह पे फीड नहीं करते हैं. वो ओनली कैप्चर करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म को जो आपके नेचर में सर्वाइव कर रहा है, उनको कैप्चर करते हैं, उन पे फीडिंग करते हैं. वो कभी भी ग्रीन लीफी ग्रासेस वगैरह पे फीड नहीं करते हैं. मींस कार्निवोरस आर द ऑर्गेनिज्म विच फीड ओनली ऑन फ्लैश और एनिमल्स. नेक्स्ट है डेट्रीवोरस ऑर्गेनिज्म. ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेट
ऑर्गेनिक मैटर्स पे फीड करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर. फॉर एग्जांपल कोई प्लांट, कोई एनिमल अगर डेथ हो जाता है फिर उस पे कुछ ऑर्गेनिजम्स अपना फूड कैप्चर करते हैं वहां से, तो उनको हमने कहा डेट्री वोरस. कहने का मतलब है हर्बीवोरस, कार्निवोरस, डेट्री वोरस, ये सब फीड करते हैं दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म पे. उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है जिसको हम कहते हैं ओमनीवोरस. भाई ओमनीवोरस सिंपली वो ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट्स पे भी फीडिंग करते हैं, ग्रासेस पे फीड करते हैं और साथ में फ्लश पे भी फीड करते हैं. इसलिए नेचुरली इनके जो टीथ होता है, टीथ का जो मॉडिफिकेशन है, उनके पास केसर टाइप टीथ भी होते हैं और चिपटे दांत भी होते हैं ताकि वो फ्लश पे भी फीड कर सके और ग्रासेस पे भी फीड कर सके. तो ये सारे किसमें आते हैं, हमारे कंज्यूमर्स में आते हैं. अब और एक कैटेगरी हमारे पास डिकम्पोजर्स का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन रखने के लिए, हमारे एनवायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी को, इकोलॉजिकल सिस्टम को बैलेंस रखने के लिए, तो वो क्या है हमारे पास, वो हमारे डिकम्पोजर्स है. भाई डिकम्पोजर्स क्या है एक्चुअली, क्या काम होता है इनका. डिकम्पोजर्स जनरली हम देखते हैं कि ये फंजाई और बैक्टीरिया को हम इसमें इंक्लूड करते हैं. इनका काम क्या होता है, इनका काम है, इनमें कैपेबिलिटी है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स ड्यूरिंग एनी प्रोसेस लॉकअप हो गए हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड हैज बीन लॉक्ड अप ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और कार्बन फिक्सेशन वी से, और द नाइट्रोजन्स हैव बीन लॉक्ड अप ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कार्बन फिक्सेशन. नाउ द सेम कार्बन डाइऑक्साइड और द एलिमेंटल नाइट्रोजन हैज टू अगेन बी रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर सो दैट द न्यूट्रिएंट पूल ऑलवेज रिमेन इन अ बैलेंस्ड स्टेट. तो क्या करते हैं डिकम्पोजर्स, जो भी न्यूट्रिएंट्स बायोलॉजिकल सिस्टम में लॉकअप हो गए हैं अगेन उनको दोबारा से रिलीज करके हमारे एटमोस्फेरिक पूल में डाल देते हैं. तो उसकी वजह से हमारा जो न्यूट्रिएंट साइकिल हो जाता है डिकम्पोजर, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, मिनरलाइजर्स या कन्वर्टर्स भी कहते हैं. तो ये था आपका डिकम्पोजर. अब चलो भाई आपके अबायोटिक कंपोनेंट्स की अगर हम बात करते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट में जैसे हमने कहा वो सारे कंपोनेंट्स आते हैं जो लाइफलेस होते हैं. लेकिन लाइफलेस का मतलब ये याद रखना आप लोगों ने, उनमें खुद तो लाइफ नहीं होती है लेकिन उनमें पोटेंशियल है, दे हैव गॉट द कैपेबिलिटी टू कीप द लिविंग ऑर्गेनिजम्स और द लिविंग क्रिएचर्स बीइंग अलाइव, उनको जिंदा रख सकते हैं. वो खुद में जान नहीं लेकिन दूसरों में जान देते हैं. भाई क्या है, आपका एक फिजिकल फैक्टर हो सकता है या आपका ये केमिकल फैक्टर हो सकता है. फिजिकल फैक्टर्स में भाई क्या क्या चीजें आती हैं, आपके क्लाइमेटिक फैक्टर्स आते हैं, सनलाइट आता है, आपका टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी आपका है, रेनफॉल है, विंड है, ये सब आपके किसमें आते हैं, आपके क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं. हल्का सा बताना चाहूंगा क्लाइमेट की अगर बात करते हैं हम लोग, किसी पर्टिकुलर जगह का एवरेज टेम्परेचर, वहां का ह्यूमिडिटी, वहां का सनलाइट, वहां का टेम्परेचर, वहां कितना इंसुलेशन रिसीव होता है, सनलाइट रिसीव होता है एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम में, वो हमारा क्लाइमेटिक फैक्टर है. क्लाइमेट की बात करते हैं तो इन सारे पैरामीटर्स को अगर हम कंसिडर करते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ 30 to 35 years के लिए, एज पर वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो कहते हैं उस पर्टिकुलर जगह का वो क्लाइमेट होता है. तो क्लाइमेट में क्या चीजें हैं, सनलाइट है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, विंड है, ये सारी चीजें. भाई किस टाइप का, कितना अमाउंट ऑफ रेनफॉल होता है, क्योंकि कुछ प्लांट्स को आप लोगों ने देखा होगा जो बहुत ज्यादा लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं, बहुत ज्यादा सनलाइट की जरूरत होती है, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट एक्सपोज होगा तभी वो प्रॉपरली ग्रो कर पाते हैं. इस कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको शॉर्ट डे प्लांट्स कहते हैं, उनको कम सनलाइट की जरूरत होती है, इसलिए हमने सनलाइट जहां पे ज्यादा अवेलेबल हो वहां पे प्लांट ग्रो नहीं करेंगे. कुछ प्लांट्स डे न्यूट्रल होते हैं, उनपे इन चीजों का असर नहीं होता है. दूसरा हमने कहा टेम्परेचर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लिमिटिंग फैक्टर होता है आपके किसी भी प्लांट को या एनिमल को ग्रो करने के लिए, क्योंकि हर किसी प्लांट का हो या एनिमल को अपना एक लिमिटिंग फैक्टर होता है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर. वही कौन सा प्लांट, कौन सा एनिमल किस टेम्परेचर पे सर्वाइव करेगा, सारे प्लांट्स एक एक्सट्रीम टेम्परेचर पे या एक एक्सट्रीम लो या हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं करते हैं. अकॉर्डिंगली जो उस पर फीड करने वाले ऑर्गेनिज्म एनिमल्स होते हैं या कंज्यूमर जिसको आपने कहा,
उनका भी अपना एक लिमिटिंग फैक्टर होता है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। तो कितना टेम्परेचर अवेलेबल है उस कितने पे सर्वाइव करेंगे वो। उसके बाद हमने कहा ह्यूमिडिटी, भाई कितना अमाउंट ऑफ मॉइस्चर है किसी प्लांट को किसी एनिमल को ग्रो होने के लिए, वो भी डिपेंड करता है आपके ह्यूमिडिटी की अवेलेबिलिटी पे। उसके बाद नेक्स्ट चलो भाई रेनफॉल। अगर आप लोगों को याद हो फर्स्ट डे लेक्चर में हमने कहा था भाई कुछ ज़ेरोफाइट्स होते हैं, कम रेनफॉल की जरूरत होती है, स्कैंटी रेनफॉल में भी सर्वाइव करते हैं, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा वाटर की अवेलेबिलिटी की जरूरत होती है। तो वो डिपेंड करता है आप किस रीजन में आपका प्लांट या एनिमल सर्वाइव कर रहा है और वहां पे रेनफॉल कितना होता है। नेक्स्ट वाला जो क्लाइमेटिक फैक्टर है वो आपका विंड फैक्टर है। विंड फैक्टर भी भाई कहाँ पे कितना विंड का स्पीड है, फोर्स है, तो उसके हिसाब से भी आपके प्लांट से एनिमल ग्रो करते हैं। तो कहने का मतलब है आपके अबायोटिक कंपोनेंट में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फिजिकल फैक्टर जिसमें हमने कहा, जिसमें क्लाइमेटिक फैक्टर कहा, जिसमें हमने इंक्लूड किया आपके सनलाइट को, टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को, रेनफॉल को या विंड को हमने इंक्लूड किया। दूसरा जो फिजिकल फैक्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको हमने कहा था एडेफिक फैक्टर, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। एडेफिक फैक्टर का मतलब क्या है भाई, सॉइल के फैक्टर, भाई सॉइल में क्या है, सॉइल में कौन से न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है, किस न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट किस पर्टिकुलर प्लांट के लिए, अकॉर्डिंगली फिर वो एनिमल को फीड कराएगा। तो कहने का मतलब आपका सॉइल टाइप कौन सा है, कौन से न्यूट्रिएंट है उसमें, सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट कितना है, लो यील्डिंग मॉइस्चर है, हाई मॉइस्चर यील्डिंग है उसमें, कैपेबिलिटी क्या है उसका। उसके बाद नेक्स्ट है सॉइल कैसे रिएक्ट करता है, अगर हम कोई चीज डिकम्पोज करने के लिए छोड़ देंगे सॉइल में, हम कोई केमिकल डाल दें तो सॉइल कैसे रिएक्शन करते हैं, वो सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं आपके फिजिकल फैक्टर के एडेफिक फैक्टर्स में, सॉइल वाला फैक्टर। नेक्स्ट है आपका फिजिकल फैक्टर में जियोग्राफिक फैक्टर। हमने कहा जियोग्राफिक फैक्टर क्या होता है भाई, आप किस लेटीट्यूड पे सर्वाइव कर रहे हैं, एक प्लांट है एनिमल है किस लेटीट्यूड पे है, किस लॉन्जिट्यूड पे है, किस अल्टीट्यूड पे है। भाई अगर हम देखेंगे जीरो लेटीट्यूड पे है, 23 डिग्री लेटीट्यूड पे है, 23 नॉर्थ पे है, साउथ पे, इन दोनों को कलेक्टिवली मिला के हम ट्रॉपिकल एरियाज कहते हैं। ट्रॉपिकल एरियाज में है तो अलग टाइप के प्लांट आपको मिलेंगे स्टडी करने के जाओगे तो, लेकिन टेम्परेट एरिया में जाओगे तो अलग टाइप के प्लांट या एनिमल मिलेंगे। तो किस पे डिपेंड करते हो, आपके लेटीट्यूड पे, अकॉर्डिंगली आप ईस्ट और वेस्ट जाएंगे, लॉन्जिट्यूड पे भी वो डिपेंड करता है आपका कौन सा प्लांट सर्वाइव करेगा ईस्ट किस लॉन्जिट्यूड पे। इसी तरह अल्टीट्यूड की अगर हम बात करते हैं, हाइट पे कितने हाइट पे कौन कौन से प्लांट सर्वाइव कर पाते हैं, हम अगर एक एक्सट्रीमली एक हाई अल्टीट्यूड पे सर्वाइव कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमारे यहाँ पे जो भी प्लांट्स सर्वाइव कर रहे हैं एग्जिस्ट कर रहे हैं उनका एक डिफरेंट टाइप है। तो उस प्लांट उस हाइट की वजह से उन प्लांट की एग्जिस्टेंस उन प्लांट की एग्जिस्टेंस की वजह से आपका इन आपके प्लांट से एनिमल का सर्वाइवल डिपेंड करता है, वो क्या है आपका अल्टीट्यूड है। तो वो भी किस कैटेगरी में आ गया, फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। अब जो आपका केमिकल फैक्टर है उसमें क्या है भाई, मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, क्योंकि कुछ प्लांट्स के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है, मेजर न्यूट्रिएंट्स है। उसके बाद कुछ न्यूट्रिएंट्स बहुत रेयर क्वांटिटी में चाहिए होता है, उनको हम ट्रेस एलिमेंट्स कहते हैं, या उस पर्टिकुलर लोकेशन में ज्योग्राफिकल एरिया में पोल्यूशन का स्टेटस क्या है इन टर्म्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन या दूसरे पोल्यूशन का स्टेटस क्या है, फेट क्या है पोल्यूटेंट्स का, उसको भी हमने केमिकल कंपोनेंट में रखा। उसके बाद उस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन में जहां पे हम इकोसिस्टम स्ट्रक्चर का डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम का, तो उस इकोसिस्टम में ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस का क्या प्रेजेंस है, क्या रोल है, कितना अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है, तो ये सारी चीजें। तो कहने का मतलब हमारा स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम में मोटे मोटे तौर पे हमने यही देखा कि एक बायोटिक कंपोनेंट है वो दूसरा एक अबायोटिक कंपोनेंट है। बायोटिक कंपोनेंट में प्रोड्यूसर कहा, कंज्यूमर कहा और डिकम्पोजर्स कहा। सिंपली प्रोड्यूसर्स का काम है प्रोड्यूस करना फूड को, उसमें अलग से फोटो ऑटोट्रॉप से और कीमो ऑटोट्रॉप से, फोटो ऑटोट्रॉप्स आपके इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फूड मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन डीप इन द ओशन जहां पे लाइट की अवेलेबिलिटी नहीं होती है वहां पे क्या होता है, कीमोसिंथेसिस होता है, बैक्टीरिया सल्फर बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड को इस्तेमाल करके, आपके कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके, रेडियो एक्टिव डीके की वजह से जो हीट रिलीज होता है फ्रॉम विद इन द अर्थ,
उसको इस्तेमाल करके आपका फूड मैन्युफैक्चर किया जाता है। हर्बीवोरस कंज्यूमर्स की अगर बात करते हैं जो फूड को कंज्यूम करते हैं, तो उसमें हर्बीवोरस, ओमनीवोरस, कार्निवोरस और डेट्रीवोरस ऑर्गेनिज्म का डिस्कस किया हमने। उसके बाद डिकम्पोजर्स हमने कहा भाई मेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स विच mineralizes the nutrients, releases the nutrients which have been locked up during the process of carbon or nitrogen fixation. Then abiotic component we discussed, it consists of physical and chemical components. In case of physical components, these are climatic factors which include sunlight, temperature, humidity, rainfall, etc. एंड एडेफिक फैक्टर सॉइल टाइप है, सॉइल के कंस्टिट्यूएंट्स क्या है, मॉइस्चर कंटेंट कितना है, सॉइल का रिएक्शन कैसा है। उसके बाद ज्योग्राफिक फैक्टर्स है, ज्योग्राफिक फैक्टर में लेटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड एंड अल्टीट्यूड का हमने डिस्कस किया। देन केमिकल फैक्टर्स में मेजर न्यूट्रिएंट्स, स्ट्रेस न्यूट्रिएंट्स एंड पोल्यूटेंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। होप आपको ये समझ आया हो स्ट्रक्चर ऑफ इको सिस्टम।